तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर क्षेत्र पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। यही आखिरी इलाका था जहां अब तक तालिबान पहुंच नहीं पाया था, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की ओर से तालिबान के इस दावे को गलत बताया गया है। खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह के करीबी के मुताबिक तालिबान का दावा पूरी तरीके से गलत है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अभी भी पहाड़ी इलाकों पर हैं और तालिबान का मुकाबला कर रही हैं। अमरुल्ला सालेह की लोकेशन के बारे में सहयोगी ने कहा कि वे अभी सुरक्षित जगह पर है, किसी को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई की अगुवाई कर रहे नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में घुसने में जुटा हुआ है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूर को लेकर यह दावा किया गया है कि वे पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान में हैं और उनकी अगुवाई में ही तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि तालिबान ने सोमवार को पंजशीर पर कब्जे का दावा किया तो नेशनल रेजिडेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने उसे नकारने का काम किया। NRF के मुताबिक हमारे लड़ाके अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले NRF ने तालिबान के सामने बातचीत की पेशकश रखी थी। अपने बयान में उन्होंने यह कहा था कि तालिबान को तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए और बातचीत कर मसले को हल करना चाहिए। हालांकि तालिबान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और बातचीत से मना कर दिया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।